हेलो स्टूडेंट्स, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट एनिमल हस्बेंड्री। नाउ व्हाट इज बेसिकली द मीनिंग ऑफ एनिमल हस्बेंड्री? पहले भी मैंने बताया था कि एनिमल हस्बेंड्री का मीनिंग है मेंटेनिंग एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स को मेंटेन करना। व्हाई? फॉर द गुड प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एज वेल एज मीट। ओके, तो ये एनिमल के वेलफेयर के लिए है एनिमल हस्बेंड्री। नाउ एनिमल हस्बेंड्री में टू टाइप्स ऑफ एनिमल्स होते हैं स्टूडेंट्स, एक होते हैं मिल्च एनिमल्स एंड एक होते हैं ड्रॉट एनिमल्स। अब मिल्च एनिमल्स आर फॉर मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। फर्स्ट वन है इसमें कैटल फार्मिंग हम पढ़ेंगे, ठीक है। कैटल फार्मिंग में दो टाइप्स ऑफ एनिमल्स होते हैं कैटल्स में, एक ड्रॉट एनिमल्स जो फार्मिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है, जो लेबर का काम करते हैं, एंड मिल्च एनिमल्स आर फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। नाउ इंक्रीजिंग मिल्क प्रोडक्शन, अब मिल्च एनिमल्स को मेंटेन रखना, उनको मेंटेन करना, उनकी प्रॉपर देखभाल करना इज़ इम्पॉर्टेंट। वाई? ताकि मिल्क का प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो सके, ठीक है। नाउ मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए जो लैक्टेशन पीरियड होता है, लैक्टेशन पीरियड मतलब जब व्हेन इट गिव्स अ बर्थ टू अ काफ, जब एक काउ एक काफ को बर्थ देता है, ठीक है, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ। उसके बाद जो उसका मिल्क प्रोड्यूस होता है उसके बॉडी में, दैट इज़ अ लैक्टेशन पीरियड। तो वो लैक्टेशन पीरियड को मेंटेन रखने के लिए, इंक्रीज करने के लिए लैक्टेशन पीरियड, गुड ब्रीड ऑफ काउज आर नेसेसरी। तो यहाँ पे एग्जॉटिक ब्रीड्स लाइक जर्सी और ब्राउन स्विस आर सिलेक्टेड फॉर लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड। यहाँ पे डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ काउ, जैसे कि ये ब्रीड ऑफ काउ है जर्सी और ब्राउन स्विस, वो लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड होता है जिनका, ठीक है, दे आर बीन सिलेक्टेड। एंड लोकल ब्रीड्स लाइक रेड सिंधी और सहीवाल शो एक्सीलेंट रेजिस्टेंस टू डिजीजेस, द टू कैन बी क्रॉस ब्रेड टू गेट दिस एनिमल्स विद डिज़ायर कैरेक्टरिस्टिक को क्रॉस ब्रीड करना, ये एक फिर से एक हाइब्रिड क्वालिटी का को लाना, जैसे कि जो ब्रीड ऑफ काउ हमें अच्छा लगता है, जो ब्रीड ऑफ एनिमल इज़ बेटर, ठीक है, वो ब्रीड ऑफ काउ का ही प्रोडक्शन करना। ओके, ये एक प्रोसेस से होता है स्टूडेंट्स, इसमें ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट ओनली रिमेंबर कि यहाँ पर क्रॉस ब्रीड किया जाता है, ठीक है, टू गेट द डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक। ऑलराइट, दिस इज़ फॉर इंक्रीजिंग मिल्क प्रोडक्शन। नाउ कैरिंग फॉर कैटल, अब कैटल्स की कैरिंग किस तरीके से करनी है? फर्स्ट इज एनिमल्स रिक्वायर रेगुलर ब्रशिंग टू रिमूव डर्ट एंड लूज हेयर। ओके, उनकी प्रॉपर ब्रशिंग, प्रॉपर क्लीनिंग की जाती है फर्स्ट ऑफ ऑल, एज वेल एज उनको एक प्रॉपर शेल्टर में रखा जाता है वेल वेंटिलेटेड रूफ से, ओके, जिसमें वेंटिलेशन भी, ऐसे कैद में नहीं रखते कभी भी कैटल्स को, तुमने देखा होगा उनका जो भी शेड होता है, ठीक है, इट इज़ वेंटिलेटेड, ओपन होता है समवॉट। Now the floor of the cattle shed should be sloping so as to stay dry and to facilitate cleaning. उनका जो floor होता है वो sloping होता है थोड़ा बहुत, ताकि जब भी हम clean करें पानी से तो वो easily वो dry हो जाए। Okay. Here are the nutrition requirement. See, cattles के लिए कैटल फीड, सी ग्रीन फॉडर, ड्राई फॉडर, कॉन्सेंट्रेटेड मिक्सचर, मिनरल मिक्सचर, वाटर, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है। ओके, फॉर मिल्च काउ ग्रीन फॉडर स्ट्रॉ, जैसे कि वो सूखी घास होती है वो, कॉन्सेंट्रेटेड मिक्सचर फॉर मिल्च काउ। तो ड्रॉट एनिमल्स को स्टूडेंट्स हायर प्रोटीन रिक्वायरमेंट होता है, जैसे कि उनकी जो मिनरल रिक्वायरमेंट होती है वो थोड़ी बहुत अलग होती है। वाई? बिकॉज वो लोग लेबर का काम करते हैं। और मिल्च एनिमल्स के लिए हायर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क कैसे होगा, उनके हिसाब से उनको फॉडर दिया जाता है। ओके, तो दोनों के जो रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट दोनों का अलग होगा। ओके, नेक्स्ट, नाउ हेल्दी एनिमल एंड सिक एनिमल। अब हेल्दी एनिमल जो है इट फीड्स रेगुलरली एंड इज एक्टिव। हेल्दी एनिमल मीन्स कि वो जो फॉडर हम जो भी प्रोवाइड कर रहा है वो अच्छे से वो खा रहा है, एंड इट इज एक्टिव। सिक एनिमल कब है? डज नॉट फीड एंड इज डल और लिस्टलेस। ओके, बहुत ही यू कैन से नंब है, बहुत ही इट इज़ नॉट फीडिंग प्रॉपरली, खाना अच्छे से नहीं खा रहा है, तो उसको बोलेंगे हम सिक एनिमल। अब ये सिक एनिमल और हेल्दी एनिमल कैसे होते हैं? इवन एनिमल्स को भी
वैक्सीनेशंस दिए जाते हैं ओके फॉर द प्रॉपर मेंटेनिंग ऑफ देयर बॉडी. नाउ हियर आर एक्टोपैरासाइट्स एंड एंडोपैरासाइट्स. सम पैरासाइट्स जो होते हैं ठीक है, दो टाइप के पैरासाइट्स होते हैं. एक्टोपैरासाइट्स, एक्टोपैरासाइट्स मतलब जो बाहर होते हैं, जैसे कि फ्लाई है ठीक है. ये जो पैरासाइट्स है वो क्या करते हैं, एनिमल की स्किन को ख़राब कर सकते हैं, उनकी बॉडी को ख़राब कर सकते हैं. एंडोपैरासाइट्स जो है वो वर्म्स होते हैं जो बॉडी के इनसाइड होते हैं. तो ये भी जो पैरासाइट्स होते हैं वो भी एनिमल की इंटरनल पार्ट्स को वो ख़राब कर सकते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स को वो ख़राब कर सकता है. तो इन सब चीज़ों से एनिमल्स को बचाना होता है थ्रू प्रॉपर. उनको पैरासाइट से कैसे बचा सकता है, हमारे हम उनके आसपास की एरिया को क्लीन रख सकते हैं ठीक है, ताकि कोई पैरासाइट बाहर का नहीं आ पाए. उनकी बॉडी को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं रोज़ रोज़, ताकि कोई पैरासाइट अगर उसके ऊपर चिपका हुआ है ठीक है तो वो हट जाए. एंड फॉर एंडोपैरासाइट्स, उनको प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट जैसे कि वैक्सीनेशन दी जा सकती है ओके. सम मेडिसिंस, कुछ उनका बिहेवियर देखकर हम उनको कुछ मेडिसिंस दे सकते हैं. तो दीज ऑल आर थिंग्स टू प्रिवेंट एनिमल फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिजीज, एनी काइंड ऑफ सिकनेस. ऑलराइट, एक्टोपैरासाइट्स लिव ऑन स्किन एंड कॉज मेनी स्किन डिजीजेस. एंडोपैरासाइट्स लाइक वॉर्म्स अफेक्ट स्टमक एंड इंटेस्टाइन वाइल फ्लुक्स डैमेज द लीवर. Bacteria and viruses cause infectious diseases. Vaccinations are given to farm animals against infectious diseases. Alright. Now next one is poultry farming. Poultry farming is for chickens. Okay. Poultry breeds are divided into layers for laying eggs and broilers for meat production. अब poultry में दो type के breeds है. एक होते हैं layers, एक होते हैं broilers. Layers जो है वो egg lay करते हैं. Embroilers for meat production. Now desirable characteristic. अब एक particular hen या chicken में कौन सी characteristic होनी चाहिए. Number and quality of chicks. एक particular hen कितने chicks दे सकती है, that is important. Dwarf broiler parent for commercial chick production. Dwarf broiler मतलब छोटे छोटे ब्रॉयलर्स चाहिए, ज़्यादा हाइटेड नहीं होने चाहिए ओके. समर एडेप्शन कैपेसिटी, लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, रिडक्शन इन साइज ऑफ एग लिंग बर्ड्स विथ एबिलिटी टू यूटिलाइज मोर फाइबरस चीपर डाइट्स ओके. सो ऐसा है कि जितने कम साइज हैं बर्ड्स की, दैट आर मोर फाइबरस, तो लोग वही पसंद करते हैं. दैट्स वाई ये सारी क्वालिटीज़ चिकन में होनी चाहिए. ये सारी क्वालिटीज़ देखकर ही चिकन को चूज़ किया जाता है, एज वेल एज नेक्स्ट ब्रीड उस तरीके से उनको बनाया जाता है थ्रू वेरियस मेथड्स. फिश प्रोडक्शन वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट चैप्टर ओके. ओनली दिस मच फॉर टुडे, जस्ट गो थ्रू दिस अगेन. Doubts, please ask. Thank you.